सबसे पहले आपको बताएं कि गरीबों को खाने पीने की चीजें सस्ती और अमीरों को नॉर्मल रेट पर मिलेंगी। तब्दीली सरकार का एक और नया प्लान सामने आ गया है। वजीर खजाना शौकत तरीन ने खाने पीने की अशिया पर टारगेटेड सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं एहसास प्रोग्राम के तहत सब्सिडी दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर खजाना ने कहा कि मिडिल मैन को निकालेंगे तो किसानों की इनकम बढ़ेगी और सार्फ के लिए कीमतें कम होंगी। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सबसे इस शॉर्ट रन में यह है कि हम इसी महीने से इंशाल्लाह टारगेटेड सब्सिडीज देंगे। ये हम पहले नहीं दे रहे थे, हम सिर्फ टारगेटेड सब्सिडीज दे रहे थे इलेक्ट्रिसिटी की और गैस। हमने जो निचला तबका है उसके लिए हमने ये प्राइसेस कंट्रोल की। अब हम कैश सब्सिडी देंगे आटे के लिए, चीनी के लिए, घी के लिए, दालों के लिए। और ये जो निचली 40 से 44% जो पॉपुलेशन है उनको ये सब्सिडी, कैश सब्सिडी मिलेगी। हमने जो वीट है उसकी जो रिलीज प्राइस है वो 1950 रुपया कर दी है। उससे जो है आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों में आटे की कीमत गिरेगी और इंशाल्लाह काफी गिरेगी। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हमने कमोडिटी वेयर हाउस बनाने, हमने कोल्ड स्टोरेजेस बनाने, हमने एग्री मॉल बनाने, ताकि जो फार्मर है और खरीदार है उसका मिलाप करके। उससे दुनिया में यही होता है, दुनिया में ये आड़ती नहीं होता। मिडिल मैन 400% 500% नहीं करता और फार्मर को एक्सप्लॉइट नहीं करता, क्योंकि वहाँ एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्रिएट किया जाता है और हम इस दफा हमने बजट में डाले। वजीर मुमलिकत बराए इत्तिलात फर्रुख हबीब का कहना है कि पीडीएम ने आंखों पर एनआरओ की पट्टी बांधी हुई है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के जाली अकाउंट्स बनाने के अलावा क्या किया, हम भूल जाते हैं कि 70% दालें दरामद करते हैं। न्यूज कॉन्फ्रेंस में फर्रुख हबीब ने कहा कि हुकूमत फूड एक्सपोर्ट पर तवज्जो दे रही है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कॉटन पैदावार में इजाफा करना होगा। कॉटन की पैदावार वाले इलाकों में इत्तेफाक शुगर मिल्स लगा दी जाती थी। वजीर मुमलिकत ने कहा कि हुकूमत आमदन में इजाफे के लिए इकदाम कर रही है। अब से खुराक तक का जो है वो सफर का आगाज किया है, यानी हम फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। ये जो पीडीएम बनी हुई है, ये जाली अकाउंट्स बनाने के अलावा या मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा इन्होंने क्या किया था? इस तरफ तो इनकी कोई तवज्जो नहीं थी। अगर हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री धड़ाधड़ लग रही है और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हमने बढ़ानी है तो उसके लिए रॉ मटीरियल कॉटन है। कॉटन ग्रोइंग एरिया में जाके जो है वो इत्तेफाक शुगर मिल चले जाती है। इकोनॉमिस्ट का सर्वे कह रहा है कि आपकी दुनिया की 3 बेहतरीन जो नॉर्मलाइज हो गए, आपने चीज़ों को फॉलो किया, ये आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। तो लिहाजा पीएमडीए ने तो आंखों के ऊपर पट्टी बांधी हुई है एनआरओ की। उनका मकसद है कि बस हमने जो भी अच्छा होगा तो उन्होंने ये कहना है कि ये मैं ना मानू वाली रट लगाए रखेंगे। मुल्क के जो हालात हैं उनको इंशाल्लाह मजीद बेहतर। मुल्क में अमरीकी करेंसी को टॉप गियर लग गया, तमाम रिकॉर्ड टूट गए। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 50 पैसे महंगा हो गया। साल की बुलंद तरीन सतह 168.60 रुपये का हो गया अहम अपडेट आपको दे रहे हैं। मुल्क में अमरीकी करेंसी को टॉप गियर लग गया, तमाम रिकॉर्ड टूट गए। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 50 पैसे महंगा हो गया। साल की बुलंद तरीन सतह 168.60 रुपये का हो गया। वज़ीर ख़ज़ाना से जब सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपके ओहदे की मुद्दत ख़त्म होने में 1 माह रह गया, तो शौकत तरीन का जवाब था कि उन्हें वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद है। सर हमें एक चीज़ जो है ना वो बड़ी खटक रही है कि आपका 1 महीने से भी कम अर्सा रह गया और अभी तक हुकूमत ने आपके मसले का फैसला नहीं किया। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, ये तो सर आप सर हमें एक चीज़ जो है ना वो बड़ी खटक रही है कि आपका 1 महीने से भी कम अर्सा रह गया और अभी तक हुकूमत ने आपके मसले का फैसला नहीं किया। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन द प्राइम मिनिस्टर। अपनी शिकस्त छुपाओ, पाकिस्तान पर डालो दबाव। अफगानिस्तान को चंद दिन में तालिबान के हवाले करने वाला सुपर पावर डूमोर का मुतालबा करने लगा। अमरीकी वजीर खारजा अपनी ख्वाहिशों पर अमल कराने के लिए पाकिस्तान से तालिबान पर दबाव डालने का मुतालबा कर दिया। अमरीका के अफगानिस्तान से जाने की वजह से खून रेजी बता दी। और अब जिक्र करेंगे कोरोना वबा का। कोरोना बंदिशों में मजीद 15 रोज की तौसी कर रहे हैं, एहतियात काम दिखा रही है। चेयरमैन NCOC ने इंसदाद कोरोना से मुतालिक अहम ऐलानात कर दिए। कहा 30 सितंबर तक अगर कोरोना की दोनों वैक्सीन ना लगवाएं तो स्कूल से जुड़े अफराद, शादी हॉल्स, रदी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता शहरियों की नकल व हरकत मुकम्मल बंद कर देंगे। मीडिया को ब्रीफिंग में कहा कि चाहते हैं कि जल्द तमाम पाबंदियाँ उठा ली जाएँ। चंद हफ्तों में ऑक्सीजन की मांग में इजाफा हुआ है। सुतर भी हुई है
लेकिन ख़तरा मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी नहीं हुआ। जो तालीमी इदारों के अंदर है काम करते हैं तमाम, चाहे वो इंतज़ामिया का अमला हो या टीचर्स हों या ड्राइवर हों जो उनके ट्रांसपोर्ट का करते हैं, अगर वो मुकम्मल तौर पर वैक्सीन नहीं लगवा चुके, दोनों डोज नहीं लगवा सके, तो 30 सितंबर के बाद वो अपना काम जारी नहीं रख सकेंगे। इसके अलावा एयर ट्रैवल, चाहे वो अंदरून मुल्क हो या बैरून मुल्क हो, अगर आपने दोनों डोज वैक्सीन की नहीं लगवाई भी, 30 सितंबर के बाद आप पाकिस्तान में किसी जहाज के अंदर सफर नहीं कर सकेंगे। आपकी शॉपिंग मॉल्स के अंदर, चाहे वहां पे आप नौकरी करते हो या वहां पर शॉपिंग के लिए जा रहे हो, अगर आपने मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेशन नहीं कराई भी, 30 सितंबर के बाद आप किसी शॉपिंग मॉल में पाकिस्तान में एंटर नहीं हो सकेंगे। इसी तरीके से होटल्स, गेस्ट हाउसेस जो है, इनके अंदर बुकिंग जो है वो बंद कर दी जाएगी। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जब तक हम सितंबर के आखिर में आएंगे तो हम जो बंदिशें हैं उसके अंदर मजीद कमी कर सकते हैं, और इसी यही रास्ता यहाँ से बाहर निकलने का। आलमगीर वबा कोरोना की चौथी लहर के वार जारी, आज मर लिया मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 5.5% रिकॉर्ड की गई। फाल केसेस की तादाद कम होकर 85,801 हो गई। कोरोना की बात करेंगे, कोरोना ने अपने हदफ तब्दील कर लिए, मुल्क के अहम और बड़े शहरों को निशाना बना लिया। लाहौर में कोरोना ने 13 और कराची में 11 अफराद की जान ले ली। लाहौर में 617 और 164 केसेस शहर कायद में सामने आए। मजीद इस रिपोर्ट में जाए। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मौजूदा हुकूमत को मुल्क की तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि ताज़ा स्कैंडल गंदम का है, इस हुकूमत की हर चोरी पर नैब ने चुप कर रोज़ा रखा हुआ है। वज़ीर-ए-खजाना नैब केस में मुलव्वस थे, NRO देकर ओहदे पर आए, ये है एहतसाब का निज़ाम। उन्होंने मज़ीद कहा कि स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और सदर जानिबदार हैं, क्या सदर को मईशत की तबाही, महंगाई, बेरोज़गारी नज़र नहीं आती। उन्होंने कहा, मीडिया की आवाज़ वो लोग बंद करते हैं जिन्होंने कुछ छुपाना होता है। सर्दियों में गैस के बहरान से मुतालिक सवाल पर शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत के खिलाफ तंजिया अंदाज अपनाया। इस हुकूमत के बाद बहुत कुछ छुपाने के लिए आज का जो ताज़ा तरीन स्कैंडल है वो गंदम का स्कैंडल है कि $125 फी टन अजाफी कीमत अदा करनी पड़ रही है। उस पर इंक्वायरी कमीशन बैठ गया है कि वो इंक्वायरी कमीशन है जिसने चीनी की भी इंक्वायरी की थी, जिसने दवाइयों की भी इंक्वायरी की थी, जिसने पेट्रोल की भी इंक्वायरी की थी, LNG की इंक्वायरी की थी, यहाँ से हासिल कुछ नहीं हुआ आज तक, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा। मुल्क का सैकड़ों अरब का नुकसान ज़रूर हो गया, और नैब तो खैर उन्होंने खामोशी का रोज़ा रखा हुआ है, जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है वो तो खामोश ही रहेंगे, लेकिन ये बातें भी एक दिन सामने आएंगी कि नैब क्यों खामोश है। हमारा सदर सिर्फ वहाँ पर आकर वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ़ें बयान करने में, झूठ बोलने में मुलव्वस होता है। ये बदनसी भी है मुल्क की, जिसका सदर भी जानिबदार हो जाए, स्पीकर तो पहले जानिबदार है, चेयरमैन सेनेट भी जानिबदार है, क्या सदर साहब को मईशत की तबाही नज़र नहीं आती? वज़ीर-ए-खजाना साहब खुद नैब के केस में मुलव्वस थे और NRO लेकर वो अपने ओहदे पर आए। ये हकीक हकाए गए इस मुल्क की, चला गैस नहीं होगी, लेकिन आपने घबराना। आम खबर दें आपको, मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब का बयान, गंदम खरीदारी की महंगी डील में एक और दिहाड़ी लगाई गई है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि बदकिस्मती है कि मुल्क में आटा, चीनी, कपास इंपोर्ट हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की सारी इंपोर्ट इमरान साहब के ATMs कर रहे हैं। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा कि सस्ती LNG मिले तो ना खरीदो, महंगी खरीदो ताकि इमरान माफिया की जेबें भरें। जानबूझ कर तब चीज़ें ली जाती हैं जब इमरान माफिया को फ़ायदा और आवाम को नुकसान हो। और सिंध असम्बली इजलास के हवाले से आपको बताएं कि स्पीकर आगा सिराज दुरानी अरकान की गैर हाजिरी पर बरहम हो गए। इजलास जुमे तक मुलतवी करते हुए कहा कि इजलास जिनकी दरख्वास्त पर बुलाया जाता है वही गायब हैं, मैं अकेला बैठा हूँ। अब आप देखें, हमने आप लोगों की ख्वाहिश पे टाइम भी चेंज किया, उसके बावजूद भी यही हाल है। आई एम सॉरी, this is the behavior of the members. Time was fixed by the honorable members. They insisted ke subah ko aap kare, so main ek ghante se baitha hua hu and there's nobody here, so we meet on Friday at 10 a.m.
सिंध हाई कोर्ट ने जमीन अलॉटमेंट केसेस में एडवोकेट जनरल सिंध ऑफिस के जवाब पर अदम इत्मीनान कर दिया। अदालत ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल को झाड़ पिला दी। जस्टिस इरफान सादत खान ने रिमार्क्स दिए कि एडवोकेट जनरल सिंध ऑफिस कोई काम नहीं करता, लगता है एडवोकेट जनरल सलमान तालिबुद्दीन को जाती हैसियत में तलब करना पड़ेगा। अदालत आलिया ने शहीद बेनजीर आबाद और मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी में अलॉटमेंट से मुतालिक केसेस में जवाब तलब किया था। उधर लाहौर में नन्हे बेटे की मदद से मोटरसाइकिलें चुराने वाला बाप धर लिया गया। पुलिस ने मोटरसाइकिलों के पार्ट्स अलग करने वाले मुलजिम के साथी को भी गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम इरफान वारदात में कमसिन बच्चे को इस्तेमाल करता था। बेटा गली में खड़ी मोटरसाइकिलों के लॉक चेक करता और बाप बगैर लॉक खड़ी मोटरसाइकिल ले उड़ता था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की तशहीर के खिलाफ मुतफरिक दरख्वास्त पर डायरेक्टर जनरल एफआईए को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने हिदायत की कि डीजी एफआईए आइंदा समाअत पर पेश होने के लिए जिम्मेदार अफसर मुकर्रर करें। मुतालिका अफसर रिकॉर्ड समेत अदालत में पेश हो। केस की मजीद समाअत 22 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। गुस्ताखाना मवाद केस में आपको अपडेट कर रहे हैं, पेश होने के लिए जिम्मेदार अफसर मुकर्रर करें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से हिदायत की गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।